हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राउड मॉमी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी जो कि 0 to 6 months है, उसको हमें किस तरह से नहलाना है। तो ये मेरी बेटी है, बेबी गर्ल, जो कि अभी 2 महीने की आज ही हुई है। तो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि हमें बच्चे की किस तरह से मसाज करनी है और उसको किस तरह से नहलाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ऑयल ले लीजिए। आप अपने पसंद का ऑयल ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ विंटर्स में ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, और समर्स में कोकोनट ऑयल। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपर बॉडी से, और आप जो बच्चे की मसाज है वो सर्कुलर मोशन में करेंगे। आप पहले उसके हाथों की मसाज कीजिए और फिर साथ में आप उसके चेस्ट की मसाज कर सकते हैं। आप इस तरह से वीडियो में देख सकते हैं। आपको बहुत ज़ोर से मसाज नहीं करनी है। तो इसी तरह से आप बच्चे की बैक की, लेग्स की और हेड की भी अच्छे से मसाज कर दें। तो मेरी बेबी गर्ल जो है वो बहुत खुश होती है जब उसको मसाज देते हैं। तो आप भी बच्चे को दिन में 2 बार ज़रूर मसाज दीजिए, एक सुबह, और जो सुबह जब आप मसाज दें तो आप उसको ज़रूर नहलाएं उसके बाद, और आप एक बार रात को उसको सोने से पहले भी अच्छे से मसाज दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें बच्चे को नहलाना कैसे है। सबसे पहले तो आपको जो भी ज़रूरी चाहिए सामान वो आप रख लीजिए, और जैसे पानी है, टब है जिसमें आपको नहलाना है, सोप, शैम्पू और एक जग। तो इस तरह से आपको बच्चे को अपनी गोद में बिठा लेना है। आप अपनी गोद में एक तौलिया बिछा सकते हैं और उसके ऊपर आप बच्चे को इस तरह से अपनी गोद में बिठा लीजिए। एक हाथ आप बच्चे के गर्दन के पीछे रख लीजिए और दूसरे हाथ से आप इस तरह से आप उसके अच्छे से बालों में सोप लगा दीजिए, और उसकी अपर बॉडी में जो है वो सोप अच्छे से लगा दीजिए। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो पानी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ना ही बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा। बाकी वेदर पे डिपेंड करता है। अगर ठंडा मौसम है तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा गर्म पानी चाहिए होगा, और अगर गर्मियों का मौसम है तब भी हमें ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं नहलाना है। हल्के गुनगुने पानी से ही बच्चे को नहलाएं ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके। फ्रेंड्स, मैं अपनी बेबी गर्ल को डेली नहलाती हूँ सुबह मसाज देने के बाद, और आप भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा ठंड रहता है, अगर ठंडा मौसम रहता है, तो आप बच्चे को हफ्ते में 2 से 3 बार बात दीजिए। अगर गर्मी है तो अगर आप चाहें तो उसको रोज़ भी नहला सकते हैं। मेरी बेबी गर्ल बहुत खुश रहती है नहाने में। जब मैं उसको डेली मसाज देती हूँ, नहलाती हूँ, तो वो उसके बाद बहुत अच्छे से सोती भी है। तो आप ये अगर चाहें तो डेली उसको नहला सकते हैं। तो इसी तरह से हम बच्चे के लोअर पार्ट को भी वो वॉश कर लेंगे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, यानी कि 3 महीने से ऊपर का बच्चा है, तो आप बच्चे को टब में बैठा के भी नहला सकते हो। बट जब छोटा बेबी है तो आपको इसी तरह से जो है उसको नहलाना है। तो इस तरह से आप बेबी के लोअर पार्ट में भी आप सोप लगा लीजिए अच्छे से, और देखिए मेरी बेबी बिल्कुल कम्फर्टेबल है इस पोजिशन में। इसमें बच्चा काफ़ी, इस तरह से अगर आप नहलाएँगे तो बच्चा काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा और रोएगा भी नहीं, और किसी तरह से भी उसके आंखों में लाइक सोप जाने का या मुंह में पानी जाने का भी कोई डर नहीं रहेगा। तो आप भी डेफिनेटली इस तरह से आप ट्राई कीजिए, बच्चे को आप इस तरह से नहलाइए। बेबी के नहाने के बाद उसकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। उसकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए। साथ ही अगर उसके बाल सूख गए हैं तो आप उनमें हल्का ऑयल भी लगा सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर विंटर्स हैं तो प्लीज़ बेबी को पाउडर आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, उससे उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। एंड नाउ माई बेबी इज़ गेटिंग रेडी।